वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मैथमेटिकल फंक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों थोड़ा सा प्रीवियस डिस्क्रिप्शन देती हूँ मैं आपको। लास्ट लेक्चर्स में हम पांडा लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, पाइथन को, जिसमें हम पांडा फ्रेमवर्क, पांडाज लाइब्रेरी पर काम कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि सीरीज़ क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होता है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है ना, पांडा क्या होता है, वो किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली कुछ पिछली स्लाइड्स में देखी थी। अब बच्चों आज से हम मैथमेटिकल फंक्शन नया टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, जिसका नाम क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन। मतलब पांडा में हम मैथमेटिक्स के कौन कौन से फंक्शंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और उसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्लस माइनस, है ना, इनटू, डिवाइड, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। किसमें? मैथमेटिकल फंक्शंस में। अब हर लैंग्वेज के, हर फ्रेमवर्क के, हर लाइब्रेरी के अपने मैथमेटिकल फंक्शन बच्चों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम पांडास लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो पांडा लाइब्रेरी में जो मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं बच्चों, वो एडिशन होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है, क्लियर, देन मल्टीप्लिकेशंस होता है, MUL, फिर डिफ मतलब डिवीज़न होता है, सम मतलब सबमिशन, किस तरीके से हम सम कर सकते हैं, देन होता है बच्चों AGG, जिसे हम फुल फॉर्म में एग्रीगेशन फंक्शन के नाम से क्या करते हैं स्टूडेंट, जानते हैं। तो ये बच्चों कुछ क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस है, जो कि बच्चों हम आज के लेक्चर में ये सारे फंक्शंस को विद एग्जांपल वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी क्लियरली इजीली क्या हो, समझ में आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? चले तो अब हम नेक्स्ट हमारा आज का फंक्शन, सबसे फर्स्ट फंक्शन देखते हैं बच्चों, पांडास एडिशन एट। मतलब हम पहले फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है एडिशन, है ना, और जिसे हम शॉर्ट में एड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। द पांडास एडिशन फंक्शन परफॉर्म द कंडीशन ऑफ डेटा फ्रेम, द एडिशन इज परफॉर्म्ड एलिमेंट वाइज। मतलब पांडा का जो एडिशन फंक्शन होता है स्टूडेंट, वो किस पे परफॉर्म किया जाता है, राइट, डेटा फ्रेम पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जितने भी एडिशन परफॉर्म होते हैं वो एलिमेंट के थ्रू क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। मतलब एलिमेंट वाइज हम इस पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पांडा का क्या है, एडिशन का फंक्शन। अब बच्चों हम इसका एक सेंटेंस देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, पांडास डॉट डेटा फ्रेम डॉट एड। मतलब पांडा नाम का एक फंक्शन है जिसमें हम क्या, किसको परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया डेटा फ्रेम को, इसमें हम कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, एडिशन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आप एडिशन फंक्शन में आप देखिए यहाँ है अदर, देन एक्सेस, एक्सेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉलम, देन लेवल इज इक्वल्स टू क्या होता है, नल, एंड फिल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉन। अब ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, और बच्चों जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे वो सारे फंक्शंस के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होगी, वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है। तो अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, इसके सिंटैक्स को। ये तो मैंने आपको एक यहाँ पर शॉर्टली सिंटैक्स बताया। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड फंक्शन का सिंटैक्स को, जैसे मैंने प्रीवियसली यहाँ पे आपको समझाया था, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अदर। अदर मतलब होता है स्केलर, सिक्वेंस, सीरीज और डेटा फ्रेम। या तो स्केलर होगा, या सिक्वेंस में होगा, या सीरीज होगी, या फिर डेटा फ्रेम। दिस पैरामीटर कंसिस्ट ऑफ एनी सिंगल एंड मल्टीपल एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या है, पैरामीटर होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के में या तो सिंगल होते हैं या मल्टीपल होते हैं, या लिस्ट के थ्रू बहुत सारे डेटा इसमें स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों एक्सिस। एक्सिस में कॉलम आता है या इंडेक्स आता है ना। दिस इज यूज टू डिसाइडिंग द एक्सिस ऑन विच अदर ऑपरेशन इज अप्लाइड। मतलब कौन सी एक्सिस होना चाहिए, जीरो से लेके वन होनी चाहिए या वन से लेके जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों लेवल, इंट और लेबल।
द लेवल पैरामीटर इज यूज टू ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस अ लेवल एंड मैचिंग इंडेक्सिंग वैल्यू पास द मल्टी इंडेक्सिंग लेवल। और ये क्या है, किसी भी चीज़ का पैरामीटर की लेबलिंग है जो ब्रॉडकास्ट करती है किसी भी लेवल को, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है बच्चों फिल वैल्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिल वैल्यू, तो फ्लोट होती है या डिफॉल्ट होती है। वेयर डेटा फ्रेम हैविंग द मिसिंग वैल्यू फिलिंग एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑन द पैरामीटर। तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बच्चों एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, अदर्स का मीनिंग क्या होता है, कॉलम्स एक्सिस क्या होते हैं, लेवल कॉलम क्या होते हैं और फिल वैल्यू क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसमें इसको एक एग्जाम देखते हैं कि एडिशन को हम कितने तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, परफॉर्म कर सकते हैं। पहला एडिशन होता है एडिशन यूजिंग पांडाज एड, मतलब पांडा के थ्रू हम नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है एडिशन ऑफ टू डेटा फ्रेम, मतलब यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। यहाँ पे हम दो डेटा फ्रेम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है स्केलर एडिशन यूजिंग डेटा फ्रेम, मतलब स्केलर भी स्केलिंग वैल्यू से भी हम डेटा फ्रेम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों अलग अलग चीज़ में अलग अलग इसके डेटा फ्रेम्स और सिंटैक्स दिए रखे हैं, हम इस लेक्चर में इस डेटा फ्रेम की बात करेंगे एडिशन यूजिंग पांडास डेटा फ्रेम 1, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अब यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेम है जिसमें लिखा है DF, है ना। पांडा की लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम को लिया, जैसे पुराना सिंटेक्स था। यहाँ पे मैंने एक स्पीड नाम की लिस्ट लगाई जिसमें 1980 और 110 है। यहाँ मैंने वेट लगाया 250, 200 एंड 150 और इसकी इंडेक्सिंग दे दी मैंने। इंडेक्सिंग में कुछ नाम दे दिए, ऑडियो, BMW, ठीक है। अब इसी को हम सेकंड में देखते हैं। तो ये देखिए DF को जब मैं थर्ड में कॉल करूँगी तो ये जो पूरी लिस्ट एक डेटा फ्रेम हमने यहाँ बनाया था, एयर इट इज़ डेटा फ्रेम, आपको टेबल के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा तो देखिए मैं आपको यहाँ एक एक करके बता रही हूँ। जैसे स्पीड है तो सबसे पहले स्पीड लिखा, फिर क्या है वेट, यहाँ हमने वेट लिख दिया। अब इसकी इंडेक्सिंग है तो ये इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ये देखो इंडेक्सिंग में हमने यहाँ कार्ड्स के नाम दे दिए। इसकी स्पीड कितनी थी, 80, 90 और 110, तो यहाँ 80, 90 और 110 दे दी। और यहाँ पे क्या था, इसका वेट क्या था, 250, 200 और 150, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, एडिशन ऑफ में दे दिया। तो ये क्या है, एडिशन है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी डेटा वैल्यू को क्या कर देता है, ऐड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब हम और आगे देखते हैं थोड़ा सा पांडास एडिशन में एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए अब मुझे दोनों को क्या करना है, ऐड। अब जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें मेरे को 25 ऐड करना है। अगर प्रीवियस में आपको पता हो तो कितना था, 80 में अगर आप 25 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 107। दूसरे में क्या था, 90, उसको भी ऐड कर देंगे 25 से। और तीसरे में क्या था, 110, तो 25 से ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 137, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्या है, इस तरीके से हम सिंपल एडिशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, किसके अंदर, पांडा के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन, ठीक है। किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, तो सेम इस एग्जांपल देख एक डेफिनेशन देखें। द सब्ट्रैक्शन फंक्शंस ऑफ पांडा इज यूज्ड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम, मतलब डेटा फ्रेम में किसी भी ऑपरेशन को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। जैसे अभी हमने प्लस किया था, सेम वैसे ही हमें क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, देखिए सिंटेक्स लिखा पांडास डेटा फ्रेम, ये देखिए वहाँ मैंने क्या लिखा था, एडिशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। बाकी सेम एज वैसा ही होगा जैसे एडिशन के लिए होता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन यूजिंग पांडास सब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसमें यूजिंग सीरीज डेटा अलोंग विथ पांडास सब्ट्रैक्शन फंक्शन, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग स्केलर, इतनी तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग पांडास सब, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम इसको।
सब्ट्रैक्शन यूजिंग पांडा सब को किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, एक सीरीज़ बनाई मैंने डीएस जो प्रीवियस थी, जैसे स्पीड वेट है ना 18, 19, 100, 50 ये और ये। अब इसमें बच्चों मैंने क्या करा, मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक करना है। किसको सब्ट्रैक करना है मुझे इसमें, 15 और 35 को। ठीक है, तो 15 और 35 को कैसे सब्ट्रैक करूँगी मैं, तो देखिए 80 लिखा है, ठीक है 80 में से 50 माइनस कीजिए आप, कितना आ गया 65 आ गया। ठीक है, वैसे इस 30 में से आप 250 को माइनस कीजिए, ठीक है 250 को माइनस कीजिए तो कितना आ गया 220। फिर 30 में से 200 को माइनस कीजिए तो 170। मतलब इस 15 से, इस 15 वाली वैल्यू से, मैं आपको रिटर्न यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि इस ये वाली 6 वैल्यू से आपको 15 माइनस करना है और 30 को इस वैल्यू से क्या करना है माइनस, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या, कौन सा फंक्शन था आपका, सब्ट्रैक्शन फंक्शन था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। सेम एज प्रीवियस स्लाइड जैसा कि मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या करता है, तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन टू परफॉर्म एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन, मतलब दो ऑपरेशन को क्या करता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया, वैसे ये चीज़ों को क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। सेम एज वही सिंटैक्स है जो एडिशन में हुआ था, सब्ट्रैक्शन में बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। और इसका बायफ्रिकेशन जैसे अदर है, एक्सिस है, लेबल है, फिल वैल्यू है, वो भी सेम वैसी होगी जैसे कि पहले वैल्यूज़ थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब बच्चों इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू क्या कर लेते हैं, देखते हैं। पहले इसके टाइप्स देख लें कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला होता है सिंपल एग्जांपल ऑफ पांडास मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग यूज़ द फिल वैल्यू पैरामीटर, फिल वैल्यू पैरामीटर के तरह भी हम काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूजिंग स्टार, मतलब स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी तरीके से हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बच्चों हम देखते हैं इसका सिंपल एग्जांपल ऑफ पांडास मल्टीप्लिकेशन फंक्शन किस तरीके से होता है। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक डीएफ बनाया, पीडी डेटा फ्रेम, इसकी स्पीड सेम ऐसी लिखी और इंडेक्स लिखा। अब डीएफ वन को वापस कॉल किया तो इंडेक्सिंग भी एरिटीज आ गई और इसकी स्पीड भी क्या हो गई, एरिटीज आ गई। तो भैया मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, राइट आप इसको पहले अच्छे से देख लीजिए, इधर 50, 75 और 100 है। ठीक है, अब किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो देखिए यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया, एक वेरिएबल ले लिया मैंने रेस नाम से, उसमें डीएफ को क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, ये स्पीड है मेरी, ठीक है, और ये क्या है, वेट है। जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करूँगी कि इसका डीएफ में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, और वेट तो कुछ था ही नहीं, इसलिए वेट क्या हो जाएगा, नन नन नन, मतलब 000 गार्बेज कलेक्शन में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने मैथमेटिकल फंक्शन को क्या करा, स्टार्ट किया किसमें, पांडास में, उसमें हमने
सब्ट्रैक्शन फंक्शन, एडिशन फंक्शन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन देखा। ठीक है, अब इसके और तीन जो फंक्शंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, थैंक यू।